नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक चुनाव को लेकर। जी हाँ, कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों चुनाव जीतने के लेकर काफ़ी कोशिशें कर रही हैं, लेकिन जो बड़ी खबर है वो यही है, देखिए आई है कि पीएम मोदी के साथ मंच पर दिखने वाले एसएम कृष्णा के समर्थक हो गए हैं कांग्रेस में शामिल। इससे बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के समर्थक कांग्रेस में शामिल हुए हैं, इससे कहीं ना कहीं वोट बैंक पर भी असर पड़ सकता है। जी हाँ, रिपोर्ट्स की तरफ रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे के दौरान बीते गुरुवार 3 अप्रैल को बेंगलुरु में पूर्व सीएम एम कृष्णा के साथ मंच पर नजर आए थे। कर्नाटक चुनाव से पहले पूर्व सीएम और पीएम के साथ दिखने को पार्टी के कर्नाटक ने अपनी पकड़ बनाने के लिए उठाए गए मजबूत कदम के रूप में देखा गया, लेकिन बीजेपी के लिए कर्नाटक चुनाव में जीत हासिल करने की राह आसान नहीं होने वाली है। बेंगलुरु से महज 65 किलोमीटर दूर एसआर कृष्णा के ही गृहनगर मुदुरू में बीजेपी बड़ी मुश्किल का सामना कर रही है। राज्य में खुला सबसे पहला पार्टी ऑफिस अब बंद हो चुका है। जो सबसे पहला ऑफिस खुला था वो बंद हो चुका है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के समर्थक कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, इससे कांग्रेस का कांग्रेस को फायदा हो सकता है और बीजेपी का झटका लगना तय माना जा रहा है। आपको दिखा दूं, बीते कुछ दिनों पहले जिस तरह से कांग्रेस के नेता ने जमकर येदियुरप्पा, जी हाँ येदियुरप्पा पर निशाना साधा था और किस तरह से उन्होंने बीजेपी को घेरा, तो देखें ये खास रिपोर्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कर्नाटक में चुनाव चल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का दौरा भी जारी है वहाँ पे, और बीजेपी ने एक मुख्य मुद्दा बनाया हुआ है कि वो भ्रष्टाचार पे बोल रहे हैं, कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं सिद्धरमैया सरकार पे। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री के मंच पर उनके मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार है, उसके खड़े होने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई नैतिक अधिकार है भाजपा नेताओं को और प्रधानमंत्री जी को कोई भ्रष्टाचार पर बात भी करें, क्योंकि हमने येदियुरप्पा पे एक्शन नहीं लिया था। येदियुरप्पा पे सबसे पहले तो बीजेपी ने ही उनको निकाला भ्रष्टाचार के आरोप में, और उन्होंने पार्टी छोड़ी और नई पार्टी बनाई, और बीजेपी ने कहा कि ये भ्रष्ट हैं इसलिए हम उनको हटा रहे हैं, और इसके बाद वो वापस आ गए, उनको गंगा जल से जैसे धो दिया गया हो और वापस मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना दिया। तो हम जो येदियुरप्पा हैं वो स्वयं में भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति हैं, और उनके जो है उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना के प्रधानमंत्री का उनके बगल में खड़ा होना इस बात का परचायक है कि भ्रष्टाचार को जो लोग प्रश्रय देते हैं उन्हीं लोगों को जो है भाजपा बढ़ावा दे रही है। यही नहीं, दुनिया जानती है और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि रेड्डी ब्रदर्स ने किस तरह से कर्नाटक को लूटा है, किस तरह से उनके खिलाफ जो है केसेस बनाए गए थे, केसेस पूरे साबित हुए। संतोष हेगड़े ऐसा नामी जज जो लोकायुक्त थे कर्नाटक, उन्होंने पूरी रिपोर्ट जो है रेड्डी ब्रदर्स के खिलाफ दी थी। आज वही रेड्डी ब्रदर्स वापस बीजेपी के साथ फिर आ गए, उनके एक भाई को टिकट दिया गया है और साथ उनके जो सबसे क्लोज समर्थक थे वो जो है उनको भी टिकट देके बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव वहाँ पे लड़ रहे हैं। तो इन दो बातों के बाद भ्रष्टाचार पे बोलने का अधिकार ना भाजपा के नेताओं को है और ना आदरणीय प्रधानमंत्री जी को है। ये बात का एहसास उन्हें करना चाहिए, क्योंकि सिद्धरमैया के खिलाफ आज तक कोई आरोप नहीं है, कोई स्कैंडल नहीं है, कोई केस नहीं है। येदियुरप्पा के खिलाफ तो सीबीआई के केसेस थे, और अब सीबीआई के केसेस धीरे धीरे केंद्र सरकार सीबीआई पे दबाव डाल के उन केसेस को विड्रॉ करा रही है, उनके खिलाफ क्लीन चिट देने की कोशिश कर रही है। तो इसमें एक बहुत बड़ा स्पष्टीकरण है कि जो क्लीन चिट उनको सीबीआई ने जो है दबाव में, केंद्र सरकार के दबाव में दी है, उस पर जो है उसको कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने सीबीआई के क्लीन चिट को मानने से मना कर दिया है, और एसआईटी जो है उस जांच को जारी रखने के लिए एसआईटी का गठन किया है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, जो है रेड्डी के खिलाफ उन आरोपों की जांच करेगी। और सीबीआई की जो ये आई वॉश है और क्लीन चिट है फर्जी जो उन्होंने दबाव में दी है, उसको कर्नाटका गवर्नमेंट जो है वो नहीं मानती है। तो देखा आपने कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन जीत किसकी होती है ये मायने रखता है, और जैसे में ये बीजेपी के लिए बुरी खबर है, ये वाकई में इससे बीजेपी को झटका लग सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मैं बता दूं कि बीते दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया कर्नाटक के दौरे पर था और उन्होंने जमकर बीजेपी को घेरा, देखिए ये खास रिपोर्ट।
मोदी जी, अगर ऋण माफी योजना लागू करना सीखना है तो मेरी नेत्री सोनिया गांधी से सीखो, जिन्होंने 72,000 करोड़ रुपए का ऋण माफी योजना लागू किया था। अगर ऋण माफी योजना लागू करना है तो सिद्धरमैया जी से सीखो, जिन्होंने कर्नाटक के लिए 8,200 करोड़ रुपए का ऋण माफी योजना लागू किया। कश्मीर से कन्याकुमारी में मेरा किसान आहत है, आज उसे अपना उपज का लागत नहीं मिलता, समर्थन मूल्य में वृद्धि नहीं, अनाज नहीं, बीज नहीं, खाद नहीं, बिजली नहीं, किसान देश का बेहाल, लेकिन भाजपा का नेता मालामाल। मोदी जी याद रखिए कि अगर भारत की प्रभुता और अखंडता और मान्यता बनी है तो किसान की मेहनत और मशक्कत और खून और पसीने के आधार पर बनी है। अगर किसान को आपने छोड़ा तो वो दिन भी दूर नहीं जहां किसान भी इस भाजपा की सरकार को देश से उखाड़ के फेंकने वाला है। मेरे मध्य प्रदेश में मंदसौर में 6 किसानों के छाती पे गोली मारकर उनको मौत के घाट पे उतार दिया। टीकमगढ़ में जो किसान अपना हक मांगने गए, समर्थन मूल्य मांगने गए, उनको जेल में डालकर कपड़े उतार के डंडों से पीटा गया। तमिलनाडु के मेरे किसान जंतर मंतर में दिल्ली में अपने भाई बंधुओं के हड्डियों के साथ बैठे हुए थे, लेकिन सरकार का एक मंत्री भी उनसे पूछने नहीं गया। महाराष्ट्र में 40,000 किसान जब सचिवालय पहुंचे तभी देवेंद्र फडणवीस की आंख खुली और उन्होंने उनकी मांग पूरी करने का संकल्प लिया। तो आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, चाहे आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, जो सरकार और मोदी जी कहते थे कि 1 सर के बदले में 10 सर हम लेके आएंगे, उस पाकिस्तान के सामने नतमस्तक होके साड़ी और शॉल की बात करके बिरयानी खाने के लिए इस्लामाबाद और लाहौर चले जाते हैं। तो देखा आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस तरह से बीजेपी को चौतरफा घेरा, तो वहीं देखिए राहुल गांधी भी कुछ कम नहीं है। जी हां, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी भी इन दिनों जिस तरह से गंभीर नजर आ रहे हैं, जिस तरह से निशाना साध रहे हैं बीजेपी पर, तो ये अपने आप में दर्शाता है अब की बार का मुकाबला बहुत कड़ा है। तो देखिए ये खास रिपोर्ट, किस तरह से राहुल गांधी ने जमकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। हिंदुस्तान की सरकार जितना पैसा दलितों और आदिवासियों को देती है उसका आधा पैसा सिर्फ कर्नाटका की सरकार दलितों और आदिवासियों को देती है। और जहां भी जाएंगे नरेंद्र मोदी, जहां भी जाएंगे दलितों की बात करेंगे, मगर फिर अगर समाज में दलित आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो नरेंद्र मोदी जी उसको रोकेंगे, उसको कुचलेंगे, उसको दबाएंगे, उनकी पार्टी के लोग उनको मारेंगे। और सबसे जरूरी चीज, जो आपका पैसा है बजट में, जो आपका पैसा है, दलितों का पैसा है, आदिवासियों का पैसा है, उसको डाइवर्ट करके किसी और को दिलवा देंगे। बड़े वायदे करते हैं, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डाल के दिखाऊंगा, नरेंद्र मोदी जी के शब्द। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां कोई एक व्यक्ति है जिसके जेब में नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख छोड़ो 10 रुपए डाले हों? आपसे कहा 15 लाख रुपए दूंगा और फिर देश की महिलाओं को, देश के किसानों को लाइन में लगा दिया, बैंक के सामने लाइन में लगाया, कहा 15 लाख छोड़ो, अब जो आपके जेब में है वो निकाल के तुम बैंक में डालो।
तो देखा आपने राहुल गांधी ने किस तरह से जमकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। आपको बता दूं कि पीएम मोदी भी चुनाव जीतने की काफी कोशिश कर रहे हैं। जी हां, इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने किसानों से बात की और वोटर्स को अपनी तरफ लाने की कोशिश की। देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं कर्नाटक के नागरिकों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा पहले तो, और आप लोग किसान मोर्चे के कार्यकर्ता हैं, आखिर के इन मोर्चों का दायित्व यही होता है कि उस क्षेत्र विशेष में भाजपा की बात, सरकार की बातें पहुंचाना और क्षेत्र विशेष के लोगों की कठिनाइयां भाजपा की वरिष्ठ नेतागिरी को पहुंचाना, सरकारों को पहुंचाना, और ये काम, ये जो ब्रिज है, मैं समझता हूं ये किसानों की समस्याओं का समाधान करता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका किसान मोर्चे के कार्यकर्ता के रूप में भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं। दूसरा, एक ही क्षेत्र में पूरा समय काम करने से उस क्षेत्र विषय की मास्टरी आ जाती है। तो देखा आपने किस तरह से चुनावी माहौल शुरू हो चुका है और किस तरह से नई रणनीति बनाई जा रही है। कोई किसी की पार्टी में जा रहा है, कोई कहीं शामिल हो रहा है। तो इससे अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के फिलहाल जो नेता थे वो जिस तरह से कांग्रेस में शामिल हुए, इससे बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। और ऐसे में चुनाव से कुछ समय पहले की जो बात देखने को मिली, इससे वाकई में ये कह सकते हैं कि बीजेपी की हालत नाजुक नजर आ रही है। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।